नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी की जो आज की हमारी ओपनिंग हुई है वो हुई है 30,335 पे। आज का जो हमने हाई लगाया है 30,807 का, आज का लो जो हमारा लगा है वो लगा है यहाँ पे 30,326 का। हमने आज यहाँ पे लो लगाया है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी ने जाके 30,700 पे हमारी आज की क्लोजिंग दी है 30,800 का हाई लगाने के बाद। देखिए, बैंक निफ्टी इस चैनल पे ट्रेड करा, जैसा कि मैंने कई दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का ये चैनल है, इसी चैनल के आसपास से ये ट्रेड कर रहा है। जब भी इस चैनल के लोअर एंड पे आता है डेली चार्ट पे, यहाँ पे एक बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और जब भी हम चैनल के अपर एंड पे जाते हैं वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी चैनल में हम कंटिन्यू अभी ट्रेड कर रहे हैं। इस चैनल का जो अपर साइड अभी जो है यहाँ पे है वो है 31,000 के आसपास का, यहाँ पे चैनल का अपर साइड अभी बना हुआ है। जो मैंने टारगेट ऑलरेडी आप लोग को दिया था कि 30,200 के ऊपर हमारा पोजिशनली टारगेट 30,800 और उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट था वो 31,250 के टारगेट के लिए ऑलरेडी, तो 30,800 वाला जो हमारा टारगेट था 30,750 30,800 वाला वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। हमारा डेली चार्ट पे जो पोजिशनली व्यू मैंने दिया था उसका टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो चुका था। मैंने बोला था 30,200 के ऊपर क्लोज करेगा तब लेके जाना है यहाँ पे। जिसके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर समय बुक करते रहिएगा, फुल प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए। अब दोस्तों देखिए, कल की वीडियो मैंने आप लोग को क्या बताया था, तो कल की वीडियो मैंने बताया था कि 30,350 के ऊपर, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर हम कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां से जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 30,450 से लेकर 30,480 के बीच में मैंने टारगेट दिया था। और मैंने ये क्लियर कट बोला था कि 30,480-470 से लेकर के 30,550 के बीच में या जो भी रेंज बनेगी उस रेंज में मैं वेट करूंगा और उस रेंज के अपर या लोअर साइड को जिस साइड में बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा मैं उस साइड में ट्रेड करूंगा। तो मैंने वहां पे कॉल लिया था 30,400 का और 30,300 का, मैंने दो कॉल लिया था। दोनों कॉल मैंने किस प्राइस पे लिया था, लगभग 12,24 या 12,35 पे मैंने वो कॉल लिए थे और उस कॉल ने जबरदस्त मूवमेंट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया। उसका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप जाके सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। 74,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल डालते रहता हूँ। सुबह सुबह आप लोग को स्टॉक 2-3 स्टॉक्स मैं वहाँ पे डाल देता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, तो आप उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो कल की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, मार्केट उसी तरह से चला और वहाँ यहाँ पे जाके उसने हमारा टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि इंट्राडे का टारगेट मैंने यहाँ पे आप लोग को 30,750 का इंट्राडे टारगेट दिया था, वो टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा तभी हमें लेके जाना है, तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए, इस एनालिसिस की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे लर्निंग वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो लर्निंग वाले चैनल पे एक वीडियो आज डालूंगा बैंक निफ्टी लर्निंग के बारे में, तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। देखिए, मार्केट हर समय इसी तरह से कंडीशन बनाता है, 2-3 दिन के बाद ये कंडीशन बनाता है और उसको जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मार्केट देके जाता है, तो वहाँ से आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आज की हमारी जो क्लोजिंग हुई है 30,709 के आसपास में, हमने हाई जो लगाया है 30,800 का लगाया है। तो अब कल के सेशन के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, देखिए कल के सेशन के लिए हमारे लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट ये है कि हम 30,800 के ऊपर कल ट्रेड करेंगे। जैसे देखिए, अगर हम इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं ठीक है, तब तो ठीक है, 30,800 के ऊपर हम निकलते हैं तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे जो होगा इंट्राडे का वो 30,880 से लेकर के 30,930 के बीच में हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा। अब उसके बाद 30,950 से लेकर वापस 31,030 के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर मैं अपसाइड के मूव देखूंगा जिस साइड में वो ब्रेक करेगा। तो कल क्लियर कट बाइंग एक कब करूंगा, जब नीचे से इसी लेवल के आसपास ओपन होके हम 30,800 को ब्रेक करते हैं तब। मान लीजिए कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं 30,950 के आसपास गैप अप ओपन होते हैं, तो गैप अप के बाद अगर वहां पे कोई बेरिश कैंडल मिलती है 2-4 मिनट ट्रेड होने के बाद में कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो मैं वहां पे शॉर्ट करना पसंद करूंगा। ज्यादा मूवमेंट के लिए नहीं, कम से कम 80 से 100 पॉइंट के लिए मैं शॉर्ट करना वहां पे पसंद करूंगा। लेकिन अगर नीचे से हम जाते हैं, मान लीजिए इसी लेवल के आसपास हम ओपन होते हैं और 800 को क्रॉस करते हैं, 30,810 को क्रॉस करते हैं, तो फिर मेरा टारगेट वही 30,880 से लेकर के 30,930 के बीच में मेरा टारगेट यहां पे निकल के आएगा और 30,950 से लेकर के 31
31 के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं मार्केट में वेट करूंगा, कंसोलिडेट होने दूंगा मार्केट को, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे वहां पे क्या ट्रेड लेना है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी ऊपर ना जाके नीचे की साइड में आया, तो आप क्या करेंगे, नीचे की साइड में एक मूवमेंट आपको तब मिलेगी जब हम यहाँ पे 50 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात तब होगी ना जब हम यहाँ पे 800 के आसपास ओपन होके 650 को ब्रेक करेंगे। तब अगर हम 650 के नीचे ही ओपन होते हैं तब मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। कहाँ पे वेट करूंगा, 30,500 के आसपास मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट 30,000 के पास, 30,500 के आसपास आए और यहां पे कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहां पे बाइंग करूंगा। शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा, फिर वो 450 के नीचे जाएगा तभी मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो मान लीजिए हम 30,800 के आसपास ओपन होते हैं और वहां से आते हुए हम 30,650 को क्रॉस करते हैं नीचे की साइड में, तब मैं यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन जनरेट करूंगा। जो स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा वो 30,725 का लगा के रखूंगा और टारगेट यहां से मैं 30,550 के टारगेट के लिए वेट कर सकता हूं। जब हम 30,650 को ब्रेक करेंगे ऊपर ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होते हैं तो मैं वेट करूंगा 30,500 के पास, किस तरह की सिचुएशन बनती है उसके बाद मैं वहां पे डिसाइड करूंगा कि मुझे वहां पे क्या करना है। तो क्लियर कट एक बाइंग साइड अगर बीच में ओपन होते हैं, इसी लेवल पे ओपन होते हैं तो 30,810 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग कर सकते हैं, और अगर हम 30,800 के आसपास ओपन होते हैं और ऊपर ना जाके हम नीचे आके 650 ब्रेक करते हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अगर कंसोलिडेट होता है, मान लीजिए कल गैप अप ओपन होते हैं 30,900, 30,950 के आसपास में, वहां कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो वेट करूंगा। मार्केट एक रेंज बनाएगा, उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा फिर मैं वहां पर ट्रेड करूंगा कल बैंक निफ्टी को। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जीरोधा आप स्टॉक से एंजल ब्रोकिंग में से किसी एक में आपको अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद में फंड ट्रांसफर कर लीजिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको हमारे सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि ये यहाँ से धीरे धीरे करके 640 के आसपास जाएगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा। अब देखिए इसके लिए कंसोलिडेट जरूरी है, अब ये जरूरी है कि एक दिन कंसोलिडेट करे, नहीं तो इसके ऊपर निकलता है तो हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, 640 641 के ऊपर ट्रेड करेगा तब यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड आपका जनरेट हो जाएगा जो कि इसको शायद 641 के बाद हम जाएंगे 645 646 के पास पे और दूसरा टारगेट हमारा 650 का रहेगा इंट्राडे टारगेट अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तब। तो एक्सिस बैंक पर नजर बना के रखिएगा, अगर 640 के ऊपर हम क्लोज करते हैं तो टारगेट यहाँ पे 680 का हमारा टारगेट निकल के आएगा, 670 680 का टारगेट आएगा पोजिशनली। बंधन बैंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही तो आप भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास में अपने ट्रेड कर रहा है। देखिए जो पहला इसका सपोर्ट था अब वही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी नजर बना के आप रखिए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा सा। बैंक ऑफ बड़ौदा कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा था, जैसा कि मैंने बोला था कल स्टॉप लॉस हम 62 का बोले थे, आज स्टॉप लॉस को ट्रेड करके 64 का लगा लीजिए। अगर कल ये 64 के नीचे क्लोज करेगा पोजिशन से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने 52 के ऊपर इसको रेकमेंड कर दिया किया हुआ है। कंटिन्यू आपको बताया कि जब भी पिछले डे के लो को नीचे क्लोज करेगा तब हम इसको पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फेडरल बैंक में ऑलरेडी हमारी पोजीशन है तो यहां पर भी बने रहिए, स्टॉप लॉस वही रखिए 65 का स्टॉप लॉस यहां पे फॉलो कीजिए फेडरल बैंक में। एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू यहां पे देखिए इसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहां पे, कल इंटरडे में एक ट्रेड ले सकते हैं लेकिन वो ट्रेड शायद 1420 के आसपास जाके वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। आज के हाई के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग आपकी बन सकती है, 1420 1422 के आसपास जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यू ऊपर की तरफ बना हुआ है तो स्टॉप लॉस हम वही फॉलो कर रहे हैं, अभी भी 500 के आसपास का स्टॉप जो हमारा बाइंग प्राइस था वही यहाँ पे ऐसे लगा के बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है और मैंने कल की वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि वीकली जो एक्सपायरी होती है उसके बुधवार जो भी, और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि आजकल जो मूवमेंट हो रही है वो बुधवार को ज़्यादा मूवमेंट हो जा रही है। कंटिन्यू मैं 3-4 बुधवार से देख रहा हूँ, मूवमेंट बुधवार को ज़्यादा अच्छी हो जा रही है और गुरुवार को हम क्या कर रहे हैं उसी लेवल के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने लगते हैं, तो बुधवार पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब मेरे ख्याल से वहाँ पर अच्छी मूवमेंट हो रही है बुधवार को एक्सपायरी से एक दिन पहले ही। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट आज देखिए 38 के ऊपर इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, कई दिनों से आप लोग को बता रहा था, तो जिसने पोजीशन बनाई है वो पोजीशन को स्टॉप लॉस जरूर 36 का यहाँ पे लगा लीजिएगा और पहला टारगेट हमारा 40 के आसपास का रहेगा
आईडीएफसी फर्स्ट में, इंडसइंड बैंक में कंटिन्यू होल्ड कर रहा है अपने लेवल को, तो यहाँ पर भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा बहुत। कोटक बैंक यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं था, अभी भी मैं वेट करूंगा। आरबीएल बैंक पे भी मेरा कोई व्यू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 220 पे रिकमेंड किया हुआ, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और एसबीआई ये 70 के आसपास में थोड़ा सा यहाँ पे रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अब कल अगर आज के लो के नीचे क्लोज होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। शॉर्ट टर्म की जिसकी पोजिशन है प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। फिर नई मूवमेंट हमें बनेगी जब ये 280 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब हमारे लिए इंट्राडे के लिए फिर से नई मूवमेंट बनने स्टार्ट होगी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर से हम इसको ले सकते हैं फिर 300 के टारगेट के लिए। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। नहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जरूर 265 का लगा लीजिए, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि स्टॉप लॉस हम 265 का यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। या फिर कल अगर आज के लो के नीचे अगर क्लोज करते हुए दिखे तो प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।